Hey guys, welcome back to Discovering Nearby. I am Sanket Kashyap और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ iPhone 13 versus iPhone 11 या iPhone 11 versus iPhone 13 के कैमरा सैंपल्स। तो बेसिकली मैं इनका ऑलरेडी एक रिव्यू तो पोस्ट कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं इनके डिटेल में कैमरा सैंपल्स को कंपेयर करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि इनकी कैमरा क्वालिटी कैसी है, और मैं इनके वीडियो सैंपल्स और फोटो सैंपल्स और स्टेबिलाइजेशन का टेस्ट आपको दिखाऊंगा डिटेल में ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा बेटर है। लेकिन ऑब्वियसली बात है 13 बेटर है, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि 11 की परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता 11 और 13 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो आप अगर 11 ले लेंगे व्लॉगिंग के लिए तो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इस वीडियो में आपको मैं वही दिखाने की कोशिश करूंगा, और पहले मैं बता दूं ये वीडियो कहीं से भी स्पॉन्सर नहीं है, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, मतलब मैं खुद ही आपको करके दिखा रहा हूं ये टेस्ट। साथ ही साथ अगर आपको इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, तभी तो मेरा मन करेगा ना ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और वीडियो के दौरान कभी भी आपको इन दोनों में से कोई भी फोन खरीदने का मन करे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से खरीद लेना ताकि आपको बेस्ट प्राइस मिल सके और मेरा चैनल थोड़ा प्रमोट हो सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hey guys, welcome back to Discovery Nearby. I am Sanket Kashyap और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ iPhone 13 versus iPhone 11 के कैमरा सैंपल्स। तो इस समय iPhone 11 से वीडियो शूट हो रही है और मेरे हिसाब से इसका कैमरा भी कमाल का है, क्योंकि ये 4K 60 FPS में शूट कर सकता है और 13 भी 4K 60 FPS में शूट कर सकता है। आप उसके कलर देख सकते हैं कैसे हैं, और अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो भी इसके इंटरनल माइक से है। यहाँ पर शोर भी है और काफी व्हीकल्स भी चल रहे हैं आसपास, तो आप देख सकते हैं इसकी नॉइस कैंसिलेशन वगैरह कैसी है। और मेरे हिसाब से अगर आप यूट्यूब चलाने के लिए सोच रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया है। और अब जो आप वीडियो देख रहे हो वो देख रहे हो iPhone 13 से, तो जैसे मैंने बताया था कि ये भी 4K 60 FPS तक शूट कर सकता है और ये उससे थोड़ा सा बेटर होगा। मतलब डे लाइट में तो आपको इतना फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन इंडोर क्वालिटीज में या लो लाइट कंडीशंस में ये बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कलर कैसे ले रहा है, अगर आपको कोई फर्क लग रहा है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। ये ऑडियो भी आप इंटरनल माइक से सुन रहे हो तो आपको ऑडियो में कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है आप खुद ही जज कर सकते हो उससे। और अब जो आप वीडियो देख रहे हो वो देख रहे हो वाइड एंगल लेंस से। अब ये बहुत काम में आ सकता है आपके, अगर आप सोच रहे हो व्लॉगिंग करने के बारे में, ये वन ऑफ दी बेस्ट चीज है कि मैं इसे होल्ड भी कर सकता हूं, मतलब मेरे एक हाथ से दूरी पे, लेकिन आप इसे होल्ड करके भी एक अच्छा सिनेरियो ले सकते हो। ये वन ऑफ दी बेस्ट थिंग है मुझे इसकी लगती है, और इसके कलर भी बहुत अच्छे हैं, और आप देख सकते हैं सिनेरियो भी कितना अच्छा रहा है। और अभी जो आप वीडियो देख रहे हो वो देख रहे हो iPhone 13 के वाइड एंगल लेंस से, तो आप देख सकते हो कि ये कैसी क्वालिटी लेता है, और मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा कि क्वालिटी कैसी है। ये भी व्लॉगिंग के लिए बहुत बढ़िया कैमरा है, और ओवरऑल ये फोन भी बहुत बढ़िया है। इसके साथ एक एडवांटेज आपको ये रहेगा कि इसकी बैटरी लाइफ अच्छी है, तो इसे कैमरा आप ज्यादा देर के लिए यूज कर सकते हो। और ओवरऑल ये दोनों ही बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। अगर आप इनमें से कोई भी ले लोगे तो आपके यूट्यूब का चैनल चला देगा, व्लॉगिंग में आपकी बहुत मदद कर देगा, लेकिन अगर आपके पास बजट है तो आपको 13 ही लेना चाहिए, और इससे भी आप अच्छी व्लॉगिंग कर सकते हो। तो चलिए अब आगे चलते हैं, मैं आपको और सैंपल्स दिखाता हूँ और कंपेयर करके दिखाता हूँ।
तो अभी आप iPhone 11 से वीडियो देख रहे हो, ये इंडोर कंडीशंस में है और जो माइक है वो भी इंटरनल माइक ही है। तो आप देख सकते हैं कि इंडोर में इसकी क्वालिटी कैसे आती है और इस समय थोड़ा पंखा भी चल रहा है और एसी भी चल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका इंटरनल माइक कैसे साउंड करता है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो वो देख रहे हो आईफोन 13 से, ये इसके मेन लेंस से है, तो आपको पता चल जाएगा इसकी वीडियो कैसी है। तो आउटडोर में तो सबके कैमरा अच्छे परफॉर्म करते हैं, तो मैं आपको एक इंडोर टेस्ट भी दिखाना चाहता था कि इंडोर में कैसा ये परफॉर्म करता है। और जो आवाज आ रही है वो भी इसके इंटरनल माइक से आ रही है, इस समय थोड़ा पंखा और एसी चल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि नॉइस कैंसिलेशन कैसी है। और अभी जो आप वीडियो देख रहे हो वो देख रहे हो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से, तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस बहुत ज्यादा बढ़िया तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इंडोर में इसकी क्वालिटी आपको दिखाना चाहता था कैसे आती है। और अभी जो आप वीडियो देख रहे हो वो देख रहे हो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से, तो आपको पता चल जाएगा कि थोड़ी बहुत लाइट यूज करके आप कैसे अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से वीडियो ले सकते हो, तो ये बहुत अच्छा है ओकेजनली व्लॉगिंग के लिए। और जैसे मैंने आउटडोर में तो अच्छा परफॉर्म करता ही है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ आ गया होगा कि 11 की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है। तो अगर आप 11 भी ले लोगे अपने लिए व्लॉगिंग के लिए मतलब, तो भी आपका काम चल जाएगा और कैमरा सैंपल ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी 13 का कैमरा बेटर है। तो जैसे मैंने बताया था, इन दोनों में से कोई भी आप खरीदना चाहो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इन दोनों के सेपरेट रिव्यू भी मौजूद है, सेपरेट कैमरा सैंपल्स भी मौजूद है, तो आप वो भी एक बार चेक कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक देना और आप और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी में मुझे डीएम कर सकते हो। और एप्पल से रिलेटेड और भी वीडियो मौजूद है चैनल पे, तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपडेट करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।